Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV. ऑन्टेरियो की सूबाई हुकूमत का अहम ऐलान, स्टेट होम ऑर्डर में तौसी, पाबंदियां 8 मार्च तक लागू रहेंगी। टोरंटो में बर्फबारी का सिलसिला जारी, एनवायरमेंट कनाडा ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। शहर में 5 से 10 सेंटीमीटर बर्फबारी की पेशगोई की गई है। ऑन्टेरियो में कोरोना की नई खतरनाक अकसाम में इजाफा, नई अकसाम के केसेस की तादाद 401 हो गई। हुकाम ने सूरत हाल को तश्वीशनाक करार दे दिया। कनाडा भर में कोरोना की वार तेजी से जारी, मरीजों की मजमूई तादाद 845,652 तक जा पहुंची, हलाकतें 21,674 हो गई। अमेरिका पर पाकिस्तान भारत के माबैन अमन मुज़ाकरात के लिए किरदार अदा करने पर जोर। पाकिस्तान के सफीर असद मजीद ने कहा है कि पाकिस्तान पुरअमन हमसायगी के लिए पुरअज़म है। हमने अमन के लिए बार बार इशारे दिए और बात की है। कोरोना वायरस से दुनिया में 24,77,000 से ज्यादा अमवात, केसेस की तादाद 11,19,55,000 से तजावुज कर गई। कोरोना के 8,73,16,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। क्या सैफ और करीना के दूसरे बेटे का नाम फैज होगा? मद्दाहों को सैफ और करीना के दूसरे बेटे का नाम जानने का भी बेसब्री से इंतजार। सैफ पहले बेटे का नाम फैज रखना चाहते थे। ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड फिल्म पीके का सीक्वल बनाने का ऐलान, पीके की टीम ने इसके सीक्वल बनाने की तस्दीक कर दी। नई फिल्म में रणबीर कपूर मरकजी किरदार अदा करते दिखाई देंगे। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर ना ऑयली ना स्टिकी ना बदबू और मुकम्मल अब्सॉर्प्शन, और हाथ नर्म मुलायम और साफ। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट। लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। फॉर फैमिली लॉ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। कॉल लॉयर शिखा शारदा, 905-956। ऑन्टेरियो की सूबाई हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया है कि घरों तक महदूद रहने के कानून में तौसी की जा रही है और अब ये कानून 8 मार्च तक लागू रहेगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ऑन्टेरियो की सूबाई हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया है कि घरों तक महदूद रहने के कानून में तौसी की जा रही है और अब यह कानून 8 मार्च तक लागू रहेगा। टोरंटो और पील रीजन को रेड जोन करार दिया गया है, जबकि डरहम, हॉल्टन, हैमिल्टन का जायजा लिया जा रहा है। हुकूमती तर्जुमान क्रिस्टिन एलिट का कहना है कि ये इकदाम शहरियों की सेहत के लिए उठाया गया है, जिसके मुस्बत असरात आने पर कानून में नरमी कर दी जाएगी। दूसरी जानिब ऑन्टेरियो में कोरोना से बचाव की वैक्सीन की 5,00,000 खुराकें तकसीम कर दी गई हैं। वैक्सीनेशन के लिए जिन लोगों को तरजीह दी जा रही है उनमें अब 80 साल से ज्यादा उम्र के अफराद भी शामिल हैं। सूबाई हुकाम हेल्थ यूनिट्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा शहरियों को जल्द अज जल्द वैक्सीन दी जा सके। सूबे के प्रीमियर डग फोर्ड का कहना था कि हम 500,000 से ज्यादा खुराकें तकसीम कर चुके हैं, जिसका मतलब हम तेजी से काम कर रहे हैं। हमारे लोगों की हिफाजत पहली तरजीह है और मैं विफाकी शराकत दारों से अपील करूंगा कि अपने लोगों को वैक्सीन की फराहमी के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं करें। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि GTA के शहरियों को 5 से 10 सेंटीमीटर तक बर्फबारी का सामना करना पड़ सकता है, जबकि हद निगाह इंतहाई कम हो सकती है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से शहर में शदीद बर्फबारी के पेश नज़र ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि शहरियों को 5 से 10 सेंटीमीटर तक बर्फबारी का सामना करना पड़ सकता है, जबकि हद निगाह इंतहाई कम हो सकती है। ट्रैवल एडवाइजरी टोरंटो और GTA के लिए जारी की गई है।
इन्वायरमेंट कैनेडा की जानिब से कहा गया है, शदीद मौसम के सबब शहरियों को सफर के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पीर के रोज शहर का दर्जा हरारत 5 डिग्री रहने की तवक्को है, जो रात में -1 तक पहुंच जाएगा, जबकि मंगल के रोज शहर में बर्फबारी का भी इम्कान है। रवां हफ्ते शहर में बादल छाए रहेंगे, जबकि बर्फबारी की भी तवक्को है। इस हफ्ते के आखिर में सर्दी के सताए शहरी धूप से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। ऑन्टेरियो में कोरोना की नई खतरनाक अकसाम के 401 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिससे हुकाम की तशवीश में इजाफा हो गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। ऑन्टेरियो में कोरोना की नई खतरनाक किस्म के 401 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिससे हुकाम की तशवीश में इजाफा हो गया है। सूबे में 27 दिसंबर 2020 को कोरोना की नई इकसाम के पहले 2 वाकयात रिपोर्ट हुए थे। सूबे में बरतानिया में सामने आने वाली कोरोना वायरस की खतरनाक किस्म, जिसे B117 वेरियंट का नाम दिया गया है, के केसेस की तादाद 391 है, जबकि B1351 जो साउथ अफ्रीका में सामने आया था के केसेस की तादाद 9 है, और ब्राजील में सामने आने वाले वायरस का 1 केस रिपोर्ट हुआ है। इन केसेस में 142 केसेस 20 से 39 साल की उम्र के लोगों में सामने आए हैं। सूबे की वजारत सेहत की जानिब से कहा गया है कि सूबे में 79.6% केसेस की वजह करीबी रवाबित हैं, जबकि 12.7% केसेस की वजूहात नामालूम है। वजीर सेहत का कहना है कि सूबे में नई इकसाम के केसेस की तादाद में इजाफा परेशान कुन है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमुई केसेस की तादाद 282,122 है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी हैं। कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमुई तादाद 845,652 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतें 21,674 हो गईं, जबकि 792,603 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमुई केसेस की तादाद 282,122 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 10,307 तक पहुँच चुकी है। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 293,086 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 6,861 है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में 131,063 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 1,827 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 75,835 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 1,327 है। पाकिस्तान ने अमरीका पर जोर दिया है कि जनूबी एशियाई खत्ते में अमन इस्तेकाम लाने के लिए भारत को इस्लामाबाद के साथ राब्तों पर आमादा करने में अपना किरदार अदा करे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान ने अमरीका पर जोर दिया है कि जनूबी एशियाई खत्ते में अमन और इस्तेहकाम लाने के लिए भारत को इस्लामाबाद के साथ राब्तों पर आमादा करने में अपना किरदार अदा करे। अमरीका के लिए पाकिस्तान के सफीर असद मजीद खान ने कहा कि पाकिस्तान पुरअमन हमसायगी के लिए पुरअज़म है। यह अब भारत पर मुनहसर है कि दुरुस्त सूरत हाल पैदा करे। हम अमरीका पर जोर देते हैं कि वो अपना किरदार अदा करे। वाशिंगटन थिंक टैंक स्टेमसन सेंटर के ऑनलाइन फोरम से खिताब करते हुए असद मजीद खान ने यह भी तजवीज़ दी कि नई बाइडन हुकूमत को अफगानिस्तान से फौजें निकालने में किसी भी ताखीर के हवाले से तालिबान से मशवरा करना चाहिए। मुल्की मईशत को मजबूत बनाने में पाकिस्तानी नजात अमरीकी कम्युनिटी की काविशों को सराहते हुए पाकिस्तानी सफीर ने कहा कि कम्युनिटी अमरीका पाकिस्तान ताल्लुकात बेहतर बनाने में भी अहम किरदार अदा कर सकती है। पाक भारत ताल्लुकात दोबारा बहाल करने के हवाले से एक सवाल का जवाब देते हुए सफीर का कहना था कि हमने अमन के लिए बार बार इशारे दिए और बात की है। अमेरिका में कोरोना की सूरत हाल सबसे खौफनाक है, जहां 5,09,875 अमवात हो चुकी हैं और 2,86,06,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में कोरोना केसेस की तादाद 11,19,55,000 से तजावुज कर गई, जबकि 24,77,835 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। दुनिया में कोरोना के 8,73,16,000 से जायद मरीज सेहतयाब हो चुके और 2,21,56,000 से जायद जेर इलाज हैं। अमेरिका में कोरोना की सूरत हाल सबसे ज्यादा खौफनाक है, जहां 5,09,875 अमवात हो चुकी हैं और 2,86,06,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं। अमेरिका में 4 माह के बाद 24 घंटे में 60,000 से कम केसेस रिपोर्ट हुए। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 1,56,418 और 1,10,05,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी है। रूस में 41,64,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं और अमवात
کی مجموعی تعداد 83,293 ہے۔ برطانیہ میں 41,15,000 سے زائد افراد متاثر ہیں اور 1,20,580 اموات ہو چکی ہیں۔ فرانس میں 36,005,000 سے زائد افراد متاثر اور 84,306 جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ بالی ووڈ کے نواب اداکار سیف علی خان اپنے بڑے بیٹے تیمور کے پیدائش کے وقت اس کا نام فیض رکھنا چاہتے تھے، لیکن مداح یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا آپ سیف علی خان اپنے چھوٹے بیٹے کا نام فیض رکھیں گے یا نہیں، مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بالی ووڈ کے نواب اداکار سیف علی خان اپنے بڑے بیٹے تیمور کی پیدائش کے وقت اس کا نام فیض رکھنا چاہتے تھے، لیکن کرینہ کپور نے اس کا نام تیمور علی خان رکھا۔ سیف اور کرینہ کے مداح یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اب سیف علی خان اپنے چھوٹے بیٹے کا نام فیض رکھیں گے یا نہیں۔ بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق بالی ووڈ کی بیبو اداکار کرینہ کپور اور نواب اداکار سیف علی خان کے ہاں گزشتہ روز صبح دوسرے بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ اس سے قبل اس جوڑے کا ایک 4 سال کا بیٹا تیمور علی خان ہے۔ سیف اور کرینہ کے مداح نوزائیدہ بچے کی پہلی تصویر دیکھنے کے لیے بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ جوڑا جلد از جلد اپنے دوسرے بیٹے کی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کرے۔ اس کے علاوہ ان کے مداحوں کو سیف اور کرینہ کے دوسرے بیٹے کا نام جاننے کا بھی بے صبری سے انتظار ہے۔ تقریباً 4 سال قبل جب کرینہ نے اپنے بڑے بیٹے کا نام تیمور علی خان رکھا تھا تو بہت سے لوگوں نے اس پر تنقید کی تھی اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ نام ترکی کے حملہ آور تیمور سے متاثر ہو کر رکھا گیا ہے، جبکہ سیف علی خان نے ان تمام دعووں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ تیمور کا مطلب آئرن یعنی لوہا ہے، ہم دونوں میاں بیوی چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا آئرن مین بنے۔ اداکارہ نے کہا کہ لیکن میں نے منع کر دیا کہ نہیں، اگر ہمارا بیٹا ہوا تو اس کا نام تیمور ہی ہوگا، میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا جنگجو بنے، تیمور کا مطلب ہے آئرن اور میں اسے ایک آئرن مین بناؤں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ مجھے اپنے بیٹے کا نام تیمور رکھنے پر فخر ہے۔ سیف اور کرینہ کے مداحوں کا کہنا ہے کہ اس وقت سیف علی خان کی اپنے بیٹے کا نام فیض رکھنے کی خواہش پوری نہ ہو سکی تو اس مرتبہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے دوسرے بیٹے کا نام فیض علی خان رکھ لیں۔ واضح ہے کہ اس حوالے سے اب تک کرینہ کپور یا سیف علی خان کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ بالی ووڈ مسٹر پرفیکشنسٹ عامر خان کی 2014 میں ریلیز ہونے والی بلاک باسٹر فلم پی کے کے سیکول بنانے جانے کی چمگوئیاں تو گزشتہ 7 سال سے جاری تھیں، مگر اب پی کے کی ٹیم نے اس کے سیکول بنانے کی تصدیق کر دی ہے، مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بالی ووڈ مسٹر پرفیکشنسٹ عامر خان کی 2014 میں ریلیز ہونے والی بلاک بسٹر فلم پی کے سیکویل بنانے جانے کی چمگوئیاں تو تقریباً گزشتہ 7 سال سے جاری تھیں، مگر اب پی کے کی ٹیم نے اس کے سیکویل بنانے کی تصدیق کرتے ہوئے واضح کر دیا کہ نئی فلم میں رنبیر کپور مرکزی کردار ادا کرتے دکھائی دیں گے۔ پی کے پروڈیوسر ودھو ونود چوپڑا نے بھارتی اخبار مڈ ڈے سے خصوصی بات کرتے ہوئے تصدیق کی کہ 2014 کی بلاک بسٹر فلم کا سیکویل بنایا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ پی کے کی کہانی لکھنے والے لکھاری ابھیجیت جوشی اس وقت کچھ مصروف ہیں، جس وجہ سے وہ سیکویل فلم کی کہانی نہیں لکھ رہے، تاہم عامر خان اور رنبیر کپور کی فلم کا سیکویل بنایا جائے گا۔ انہوں نے عندیہ دیا کہ پی کے سیکویل میں عامر خان کی جگہ رنبیر کپور مرکزی کردار ادا کریں گے اور نئی فلم کی کہانی وہیں سے شروع ہوگی جہاں پہلی فلم کی کہانی ختم ہوئی تھی۔ پہلی فلم کی کہانی کا اختتام رنبیر کپور کے کردار کو متعارف کرائے جانے سے ہوا تھا اور رنبیر کپور کو بھی عامر خان کی طرح آسمانی مخلوق کے طور پر دکھایا گیا تھا۔ پہلی فلم میں عامر خان نے مرکزی کردار ادا کیا تھا، تاہم فلم کے آخری منٹس میں رنبیر کپور کے کردار کو دکھایا گیا تھا اور ان کے کردار کو دکھائے جانے سے ہی چمگوئیاں شروع ہوئی تھیں کہ اگلی فلم میں رنبیر کپور ہی مرکزی کردار ادا کریں گے۔ پہلی فلم کی کہانی غلطی سے زمین پر آ جانے والے آسمانی مخلوق سے متعلق تھی اور ایلین کا کردار عامر خان نے ادا کیا تھا، جو زمین پر آنے کے بعد مختلف رسموں اور مذاہب کے طور طریقے دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں۔ پہلی فلم میں انوشکا شرما نے مرکزی کردار ادا کیا تھا، جبکہ آنجہانی سشانت سنگھ نے بھی فلم میں پاکستانی لڑکے سرفراز کا مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ نئی فلم میں سشانت سنگھ کے کردار کو جاری رکھا جائے گا یا نہیں، اور اگر ان کا کردار جاری رکھا گیا تو اس کے لیے کس کو کاسٹ کیا جائے گا، اس حوالے سے بھی فوری طور پر پی کے پروڈیوسر نے کچھ نہیں بتایا۔ فلم پروڈیوسر نے سیکویل فلم کی مرکزی اداکارہ کا نام بھی نہیں بتایا، تاہم خیال کیا جا رہا ہے کہ سیکویل فلم میں انوشکا شرما کی جگہ کسی نئے اداکارہ کو کاسٹ کیا جائے گا۔ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ فلم کی شوٹنگ کب تک شروع کی جائے گی، تاہم خیال کیا جا رہا ہے کہ پی کے ٹو کی شوٹنگ آئندہ سال کے آغاز سے شروع ہوگی۔ ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی۔ Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at TAC TV.
Tag TV updates you about Corona situation in Canada and around the globe.